गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम रोहित फ्रॉम अप्लाई साइड डिपार्टमेंट वर्किंग इन आरपीआईटी कॉलेज कैंपस कनाड। तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस करा था सेमी ग्रुप, मोनोमोइड्स हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम डिस्कस करेंगे ग्रुप्स, है ना। इसमें मेरे पास क्या, जो मेरे पास बायनरी ऑपरेशंस की 4 प्रॉपर्टीज थी। कौन सी? फर्स्ट 4 प्रॉपर्टीज। सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एंड आइडेंटिटी एलिमेंट्स। फिर क्या थी? इनवर्स एलिमेंट्स या इन आइडेंटिटी ऑफ यूनिवर्स भी बोल देते हैं। तो अगर ये 4 प्रॉपर्टीज़ को अगर कोई भी सेट अगर सेटिस्फाई कर रहा तो उस सेट को हम बोलेंगे ग्रुप्स। तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज क्लोजर प्रॉपर्टीज़ हैं। तो इसके अंदर मेरे पास क्या है, ए स्टार बी अगर स्टार जी के अंदर बिलोंग कर रहा सच दैट ए स्टार बी बिलोंग टू जी, है ना। और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में ए स्टार बी स्टार सी दिस इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी सच दैट ए बी सी कहाँ से आएंगे, जी से, सेट से। उसके बाद आइडेंटिटी एलिमेंट्स। आइडेंटिटी एलिमेंट्स में मेरे पास क्या है, अगर मेरे पास ए स्टार ई दिस इज इक्वल टू ए स्टार ए है तो दिस इज इक्वल टू ए आना चाहिए। इनवर्स आइडेंटिटी में मेरे पास क्या है, ए स्टार ए इनवर्स दिस इज इक्वल टू आइडेंटिटी, तो इसको बोलेंगे इनवर्स ऑफ ए। तो अगर ये मेरे पास 4 प्रॉपर्टीज को क्या कर देंगे, होल्ड कर देते हैं, तो उस सेट को हम बोलेंगे ग्रुप्स। एबिलियन ग्रुप में अंदर मेरे पास क्या है, 5th प्रॉपर्टीज को क्या करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए। सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी, फिर क्या आना चाहिए, क्लोजर प्रॉपर्टीज, उसके बाद मेरे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज, उसके बाद मेरे पास आइडेंटिटी एलिमेंट्स, और फिर क्या है मेरे पास इनवर्स एलिमेंट, लास्ट में मेरे पास क्या है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। लास्ट में मेरे पास क्या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, अगर वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज को भी क्या होल्ड कर रहा कोई भी सेट, तो उस सेट को हम क्या बोलेंगे, अबेलियन ग्रुप। अबेलियन ग्रुप सबसे पहले वही हम क्या कोई एलिमेंट लेते हैं कहाँ से, जी से, दो एलिमेंट लिए मैंने जी से, कोई भी दो एलिमेंट, अगर ऑपरेशन करने के बाद ऑपरेशन लगाने के बाद दोबारा से उस सेट के अंदर बिलोंग कर रहे वो नंबर, कोई नंबर मिलेगा अगर वो नंबर बिलोंग करेगा उस सेट के अंदर, तो उसको बोलेंगे हम क्लोजर प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज में मेरे पास क्या है, अगर मेरे पास ए स्टार तो बी स्टार ए, ए स्टार बी स्टार सी इक्वल होगा ए स्टार बी स्टार सी के, है ना। और ए बी सी मेरे भी मेरे पास कहाँ से आएंगे, कहाँ से थे, ए बी सी मेरे पास कहाँ से थे, जी से, जी क्या था एक नॉन एम्प्टी सेट था। तो उसके अंदर अगर हम ऑपरेशन लगाते हैं, ऑपरेशन में मेरे पास कुछ भी हो सकता है, एडिशन मल्टीप्लिकेशन डिवाइड, है ना, और इंटरसेक्शन यूनियन, ये सब कुछ एवरीथिंग। तो अगर लगाने के बाद अगर मेरे पास ए स्टार बी स्टार सी दिस इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी आ जाता है, तो वो मेरे पास आइडेंटिटी प्रॉपर्टीज को होल्ड कर देता है। आइडेंटिटी एलिमेंट्स के अंदर अगर मेरे पास ए स्टार ई है तो दिस इज इक्वल टू होगा ई, तो दिस इज इक्वल टू होगा ए स्टार ए, ए स्टार ए, तो वो मेरे पास क्या होगा, वो मेरे पास क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट्स। इनवर्स में मेरे पास क्या आ जाएगा, सिर्फ उसके अंदर मेरे पास कोई आ जाएगा, इनवर्स आ जाएगा, है ना। इनवर्स के अंदर मेरे पास ए स्टार ए का इनवर्स दिस इज इक्वल टू मेरे पास क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए। तो वो जो मेरे पास ए इनवर्स आया, जो मेरे पास ए इनवर्स आया, तो उसको बोलेंगे हम इनवर्स ऑफ ए, इनवर्स ऑफ ए। नेक्स्ट में मेरे पास क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज में ए स्टार बी दिस इज इक्वल टू बी स्टार ए, तो ए और बी मेरे पास कहाँ से आएंगे, यहाँ पर बी आएगा, ए और बी मेरे पास कहाँ से आएंगे, जी से, ए और बी मेरे पास जी से आएंगे। तो मेरे पास अगर मेरे पास ए स्टार बी इक्वल आ जाता है बी स्टार ए, तो मेरे पास क्या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज होल्ड करेगा। तो ये था मेरे पास अबेलियन ग्रुप। थैंक यू।